मैंने पहले एक जाकिर हुसैन में भी सेम हुआ है, 18 साल के बच्चे को वहाँ पे भी मारा गया था। और ड्रग्स की वजह से यहाँ पे हमारी बहन बेटियों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। शाम के वक्त हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो डर लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, बच्चा वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो ये इसका मेन कॉज तो ड्रग्स ही है ना। ये जो मारा है लड़का, उसको पूछा कि तू सो पाएगा रात को, तो बोले मेरे को तो अच्छी नींद आएगी। तो ये कोई रैशनल इंसान कर सकता है? ये ड्रग्स ही करवा रहा है, ये सारा जो करवा रहा है ये नशा करवा रहा है बच्चों से। एवरीबॉडी इज करप्शन, सब करप्ट है यहाँ पर, पुलिस से लेके नेता से लेके, यहाँ पर कोई अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ का इन लोगों का ये कहना है कि डीसीपी सर ने इन्हें कहा कि मेरे पास 1400 की फोर्स है और यहाँ पर 10 लाख पब्लिक है, ये कोई बात नहीं। पुलिस का काम होता है, मुंबई पुलिस बहुत ही सक्षम मानी जाती है। मुंबई पुलिस अगर चाहे तो भाई मंदिर के बाहर से चप्पल नहीं चुरा सकता, लेकिन लगातार गोवंडी में, मानकुर में हत्याओं का सिलसिला चल रहा है, इसे रोका नहीं जा रहा है। ड्रग्स पेडलर, इन लोगों ने कहा जो जिसने यहाँ पर हत्या करवाई है, हुट्टू नाम के शख्स ने उसे यहाँ पर साम्राज्य बना के रखा था, जगह जगह पर कैमरे लगा के रखा था। तो क्या वो यहाँ पे जो गोवंडी पुलिस है उन्हें पता नहीं होगा, जो यहाँ के विधायक है उन्हें पता नहीं होगा, जो यहाँ के एमएलए उन्हें पता नहीं होगा, सबको पता है, लेकिन सबके सब करप्शन में डूब चुके, किसी को आवाज उठाना नहीं है, क्योंकि ये गरीब लोगों को छोड़ दिया गया मरने के लिए। यहाँ पर पुलिस सिर्फ आती है खाना पूरी करने के लिए, मर्डर के बाद पोस्टमार्टम करने के लिए, लेकिन उस पुलिस अगर अपना सही तरीके से काम करे और यहाँ के जो एमएलए विधायक जो इनके दिए हुए वोट से अपनी कुर्सी गर्म करके अपने महलों में बैठे, अगर ये सही तरीके से काम करे तो गोवंडी आने वाले वक्त में सुधर जाएगा। वरना लगातार जो गोवंडी में हालात बने हुए हैं, जैसे हत्या और ड्रग्स का जो सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, ये कभी रुकने वाला नहीं, आने वाले वक्त में गोवंडी पूरा फना हो जाएगा। अबू हाशमी है, अबू हाशमी कब आते हैं? अबू हाशमी यहाँ यहाँ पे तो हमने देखे ही नहीं उनको अभी तक, यहाँ पे देखे नहीं। जो उनका काम रहता है, जो उनका काम रहता है वो काम के लिए आए और चल दिए। कभी उन्होंने खड़े रह के ये नहीं बोले कि ये चीज को हमको करना है और ये चीज के ऊपर हमको लड़ना है, कभी वो चीज के ऊपर कार्रवाई हुई नहीं है इनकी। मैं वारिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। गोवंडी में हुआ एक बार फिर से मर्डर, एक मासूम बच्चे को बीच सड़क पर काट दिया गया। मैंने आपको फिर से मर्डर इसलिए कहा कि गोवंडी में हत्याओं का सिलसिला लगातार चलते चले जा रहा है, लेकिन पुलिस इसमें रोकने में नाकाम नजर आ रही है। गोवंडी में लगातार नशा बिकता है, हत्याएं होती है, लेकिन पुलिस सिर्फ आती है पोस्टमार्टम करने के लिए और उसके बाद पुलिस यहां पर कुछ काम नहीं करती। लेकिन इसी चक्कर में एक मासूम की जान चले गई, उसकी माँ हमारे साथ में है, आइए उनसे बात करते हैं क्या हुआ था उनके बच्चे को और किसने मारा और पूरा मामला क्या है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जन्नतुन्निसा। क्या हुआ था? आपके बच्चे का क्या नाम है? मेरे बेटे का नाम मोहम्मद अहमद। क्या हुआ था खाला, पूरा बताइए। मेरे को फोन किया, बोला अम्मी, बस इतना बोला। उसके बाद मैं भागते भागते गई, देखी तो मेरा बेटा उधर काटा पड़ा था और वो लड़की उधर भागी। अब कौन से तरफ भागी, मैं तो चीख मारते रही। फिर उसका बाप है ना खुद्दूस, उधर खड़ा था, वो भी थोड़ा दूर पे खड़ा था। हाँ, अब मेरा को इंसाफ चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, जो बोलना है नगर सेवक आसमा से बोलेंगे। किसने मारा आपके बच्चे को? मारा किसने? वो भुट्टू है, भुट्टू मरवाया है और वो सब इनवल है। जो बात करना है नगर सेवक आसमा से एक बात करेगी। बाबू मेरे ताकत नहीं, मेरा बच्चा बैठ जाइए आप। जैसे कि यहाँ पर आए दिन हमेशा हत्याएं होती रहती, लेकिन पुलिस यहाँ पर नाकाम नजर है, लेकिन इस बच्चे को मार दिया गया। क्या है पूरा मामला, अब तक लोगों के समझ नहीं है? देखिए, बच्चों का एक मोहल्ले में रहते हैं, आपस में झगड़ा होता है, कुछ इन लोग का पहले से कुछ छोटा मोटा झगड़ा था, उसी के मद्देनजर ये जो वारदात हुई है वो हुई है। लेकिन इसका जो मेन रूट कॉज था वो नशा था। यहाँ पे सामने 41 में ये भुट्टू नाम का, जिसको आज मास्टरमाइंड बोला जाता है, वैसे जो क्राइम किए वो जुवेनाइल है तीनों, जो अरेस्टेड भी है, लेकिन इनका मास्टरमाइंड जो भुट्टू है, कल रात तक भी उसके नशे का कारोबार चालू था। कल रात को जब मैं यहाँ पे आई, मैं तो 3 दिन से लगातार आ रही हूँ, और जब मैंने कल रात को देखी, मुझे लोगों के इलाके के लोगों ने बताया कि अभी भी उसका दुकान बंद नहीं हुआ है नशे का। तो उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए कितना भी हो जाए, लेकिन अंदर से कुछ एक पुकार आई कि नहीं ये कुछ ज्यादा हो गया। लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल भी इनको ना, इनको लगता है कि अपने पॉकेट में है सारी चीजें, पुलिस का डर नहीं है, प्रशासन का डर नहीं है। इतना खून करने के बाद इतना, आप वीडियो अगर देखोगे मुझे ऐसा लगता है कि पत्थर से पत्थर दिल भी पिघल जाएगा, ऐसा उस बच्चे को मारा गया है। और उसका कसूर क्या था? क्यों हमारे झगड़े एक ये बदौलत मार देगा? एक छोटा सा रीजन रखे, ये गवारा नहीं है।
ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। और इसका जो हमने देखा बातचीत की तब पता चला कि यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, ये बेचारी दो दिन से रो रही है। मैं रात को आई, मैंने यहाँ के लोगों से पूछा, यहाँ इनकी सुध लेने कोई नहीं आया था, कोई भी इनके लिए खड़ा नहीं था। लेकिन कल फिर हमने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया कि हम यहाँ पे हम पुलिस को जगाने के लिए मैंने बोला कि हम एक शांति पीस मार्च करेंगे कि हमको इंसाफ चाहिए, इस नशे से हमको मुक्त कराओ, हम गुहार लगाएंगे पुलिस से। और किस पता नहीं कैसे पुलिस को ये बात पता चल गई, सुबह ही सुबह यहाँ पे पूरे पुलिस वाले आ गए। मुझे डीसीपी का फोन आ रहा है, एसीपी का फोन आ रहा है कि मैडम प्लीज प्रोटेस्ट मत कीजिए, हम आते हैं, हम आपकी बात सुनते हैं। तो हमने बोला ठीक है, इतना दिन दो दिन रुके और दो घंटे रुकते हैं। फिर उन्होंने एक बजे हमको वहाँ पे बुलाए, टाइम दिए, हमने सबके नाम दे दिए हैं और हमने उनके पास गुहार लगाई है। और भी कुछ ड्रग पेडलर्स अगर देखते होंगे, मैं आपसे हाथ जोड़ के भैया विनती करती हूँ, आप हमारे मोहल्ले के हैं, हमारे मोहल्ले को मत सड़ाओ, हमारे मोहल्ले के बच्चों को जिंदा रहने दो। अगर आपको लग रहा है कि ये आज ही के दिन खत्म होगा तो ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ पे आसमा शेख जन्नतुन खड़ी होगी और भी हमारे भाई साथ में है, जैसे अतिक सर है, साजिद भाई है, हम सारे मिलकर इसका खात्मा पूरी तरह से करेंगे। आज इसका आप आउटकम देखिए, आज हम सब ने मिलकर इस लड़ाई को जब छेड़ा है उसका सब तोड़फोड़ हो गया है और वो भाग गया, नहीं तो कल तक वो फोन कर रहा था, सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा था। लेकिन आज जब जैसे ही उसके ऊपर केस फिट हो गया, उसकी बीवी के ऊपर केस फिट हो गया है, हमने बोले उनका काम था, पुलिस ये करने वाली थी कि सिर्फ तीन जुवेनाइल को पकड़ के बोलने वाली कवर अप कि हो गया है पकड़ लिए, लेकिन हमको मास्टरमाइंड के पास जाना है ना, जो ऐसे छोटे छोटे बच्चों को हथियार की तरह यूज कर रहा है, मर्डर करने के लिए छोटे बच्चों को हथियार बनाया जा रहा है, आपके बच्चों को, आपके भाइयों को हथियार बनाया जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं रोकना बहुत जरूरी है भाई। तो इसके लिए एक मुहिम चला रहे है कि इस बार तो हम या तो वो रहेंगे या तो हम रहेंगे। जैसे कि आपने कहा कि मारने वाले भी छोटे बच्चे थे और जिसे मारा गया वो भी बच्चा था, कुछ आपसी दुश्मनी थी इनकी, लेकिन वो जिस तरह मार रहा था वो वीडियो हमने देखा, काफी दिल दहला देने वाला वो वीडियो था, हम दिखा नहीं सकते वो वीडियो हमने देखा, वो इस तरह मार रहा था कि जैसे कोई ऐसे मतलब कुछ ज्यादा ठसन हो। लेकिन आपने कहा कि ये मामला ड्रग्स से जुड़ा हुआ है, तो ये ड्रग्स वालों ने, ये जो बच्चा था इसने ड्रग्स वालों के खिलाफ आवाज उठाया था या कुछ ऐसा मामला? नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ ना आपको, ड्रग्स से जुड़ा हुआ इसलिए था, जैसे आपने बोला कि आपने वो वीडियो देखा, आपने आपको लगता है एक नॉर्मल बंदा ऐसा मार सकता है? नहीं नहीं, नॉर्मल नशे के, ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट ड्रग्स, वो ड्रग्स नशे के उसमें था, इन्फ्लुएंस पे था। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि एक जानवर पे भी ऐसा, हम जानवर पे भी सल्ला घुमाते, बड़ा प्यार से घुमाते हैं, लेकिन इस बच्चे पे जैसा चॉपर के हमले दिए जा रहे थे तो ये कोई भी एक रैशनल माइंड वाला बंदा नहीं करेगा। वो ड्रग्स के अंडर इन्फ्लुएंस था, ड्रग्स करवा रहा था उसको। और यहाँ पे ड्रग्स के वजह से दो महीने पहले एक जाकिर हुसैन में भी सेम हुआ है, 18 साल के बच्चे को वहाँ पे भी मारा गया था। और ड्रग्स की वजह से यहाँ पे हमारी बहन बेटियों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, शाम के वक्त हमारे बच्चे स्कूल जाते तो डर लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, बच्चा वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो ये इसका मेन कॉज तो ड्रग्स ही है ना, ड्रग्स की वजह से बच्चे इतने आगे तक कर दिए, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। और जब उनको पूछा जा रहा है तो उनको पछतावा भी नहीं उस बात का थोड़ा भी उनको, मतलब मुझे सीनियर साहब ने बोला कि जब पूछा गया कि क्यों बेटा ऐसा हुआ, तो वो ऐसा खीसे में हाथ डाल के बोल रहा है क्या हुआ, ठीक है जो हुआ हुआ, मुझे बहुत खुशी है। तो आप समझ सकते हैं किसने बोला है खुशी, मतलब मेरे को कोई गम नहीं है, मैं किसने बोला, ये जो मारा है लड़का उसको पूछा कि तू सो पाएगा रात को, तो बोले मेरे को तो अच्छी नींद आएगी। तो ये कोई रैशनल इंसान कर सकता है? ये ड्रग्स ही करवा रहा है, ये सारा जो करवा रहा है ये नशा करवा रहा है बच्चों से, नहीं तो जैसे कि बच्चे मासूम होते हैं। जैसे कि देखेंगे आज इतनी पुलिस यहाँ पर है, लेकिन गोवंडी के बारे में सभी को पता है, यहाँ पर नशा बिकता है, धड़ल्ले से नशा बिकता है, कहाँ कहाँ बिकता है, एक एक जगह, फिर भी पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या पुलिस की भी इसमें कुछ मिली भगत है? साफ साफ बताए, हो सकता है, हो सकता नहीं, हमको लगता है हुआ है। सुनिए मैं बता रही हूँ आपको, जब मैं उस प्लॉट में 41 में गई तो मैंने देखी कि वहाँ पे मेरे हिसाब से सात से आठ कैमरे फिट है, जो आने जाने वाले के ऊपर ध्यान नजर रखने के लिए लगाए गए हैं, जो यहाँ का ड्रग डीलर है उसने, मतलब जैसे कॉर्पोरेट चला रहा था वो, ड्रग्स का सिंडिकेट चला रहा था। तो मैंने
यहाँ के सीनियर साहब से बोली कि उसका जो सिस्टम है आप पूरा ले लीजिए, तो सिस्टम से हमको पता चलेगा ना कि पुलिस भी आ रही थी उससे मिलने, जो लेने वाले आ रहे थे, तो उससे हमको पता चलेगा कि कौन उनके साथ मिले हुए है। अगर पुलिस उसमें मिली हुई तो दिखेगा कैमरा में, वो कहाँ से छुपने वाला है। तो आप चाहते हैं उन कैमरों का CDR निकाला जी, निकाल के लेके गई है, निकाला जाए ना, हमारी मांग थी आज सुबह ACP से, तो उन्होंने वो निकाल के लेके चले गए हैं। जैसे कि देखा गया क्या गोवंडी में रात में, हमने सुना है ऐसे अगर कोई रात में चाय पीने के लिए खड़ा रहता है तो पुलिस उसे उठा कर ले जाती है, यहाँ क्यों खड़ा। लेकिन ये ड्रग्स पेडलर रात भर नशा बेचते, मासूम बच्चों की जिंदगियां खराब करते, नशे में गोवंडी में कितनी हत्याएं हो चुकी, मानकुर में हत्या, तो पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाह है या देखकर भी पुलिस अनजान बन रही है। देखिए सारा मसला है ना हमारे अंदर जो हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, हमारे पास अगर पुलिस काम नहीं कर रही तो हम क्यों नहीं उनसे काम करवा के लेते। आज कैसे पुलिस ने काम की, आज कैसे पुलिस हरकत में आई। लेकिन आज पुलिस हरकत में आई, लेकिन इसकी जो हत्या ये 2 दिन पहले हो चुकी है, जब तक पुलिस ने कुछ नहीं किया, ये एक साफ मामला दिख रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि वो आज भी नहीं करने वाली थी, आज जब मैंने प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया उसके बाद तो हरकत में आई पुलिस। पुलिस को लगा कि अभी ये मामला उनके हाथ से बाहर निकल रहा है, और इसीलिए मैंने मेरी हर बहन को मैंने तो गुहार लगाई थी कि जो माँ है वो जिसको आना है मेरे प्रोटेस्ट में वो आए, किसी को जबरदस्ती नहीं तो हम 2 औरतें पैदल चलेगी, और जो भाई हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमको कहीं ना कहीं खुद भी काम करना चाहिए ना भाई। आज जब DCP के सामने बात हुई तो मुझे उन्होंने अपना जो प्रॉब्लम है वो बता रहे कि मुझे 2100 का स्टाफ चाहिए, लेकिन मेरे पास 1400 का स्टाफ है। यहाँ की पब्लिक 10 लाख के ऊपर है, यहाँ का जो आप पॉपुलेशन देखोगे रिकॉर्ड पे तो 3.5 लाख वोटर्स है, लेकिन 10 लाख के ऊपर आपको भी पता आप रहते हैं, 10 लाख 15 लाख लोगों के लिए 1400 पुलिस, आप क्या उनसे आप क्या मतलब उनसे ये करोगे कि आप हमारे लिए काम करें। हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हमारे बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। आज करें ना हमने तो ये चालू रहेगी हमारी मुहिम, ये लड़ाई हमारी चालू रहेगी। अगर पुलिस इन्वॉल्व है तो पुलिस भी अभी सजग हो जाए कि अब वो छूटने वाले नहीं है, अब जनता जाग गई है, अब बैगनबाड़ी 12 नंबर की पब्लिक जाग गई है, आज यहाँ की माँ जाग गई, आज यहाँ मेरा भाई जाग गया है, तो यहाँ से तो इनको हम यहाँ से उनको खदेड़ के ही भेजेंगे। जैसे कि पुलिस की कम है तो मतलब साफ साफ अब ये है क्या, खुद की हिफाजत खुद करना होगा, पुलिस से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। आप कलेक्टिवली आइए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए, यूनाइटेड हो जाइए। अगर यहाँ की लोकल पुलिस हमारा नहीं सुनती है तो हम ACP के पास जाएंगे, ACP नहीं सुनेगी तो हम DCP के पास जाएंगे, धरना लेंगे, मोर्चा लेंगे, लेकिन हम काम तो करवाएंगे जैसे आज करवाए हैं। लेकिन DCP ने आपको साफ कहा ना कि यहाँ पे 10 लाख पब्लिक है, हमारे पास 1400 पुलिस। नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे पास 1400 का स्टाफ है, लेकिन DCP साहब ने मुझे आश्वासन भी दिया है कि मैडम प्रोटेस्ट मत लीजिए, 48 घंटे के अंदर वो बंदा पकड़ा जाएगा, उसको हम लेके आएंगे। आश्वासन से किसी की जान नहीं बचती ना, इससे पहले भी गोवंडी में हुआ है, सुनिए मेरी बात सुनिए, आश्वासन से किसी की जान नहीं बचती, इससे पहले भी गोवंडी में हत्याएं हुई और सभी को पता है, मैंने कुछ देर पहले कहा सभी को पता है कि गोवंडी में कहां-कहां नशा बिकता है। अगर ये पुलिस सिर्फ आश्वासन देती है तो उन माओं का क्या जो इस नशे के चक्कर में अपने बच्चों को खो रहे, आश्वासन नहीं चलता। नहीं नहीं सुनिए, आश्वासन किस बात का है, उसको पकड़ने का जो यहाँ का मास्टरमाइंड है, उसके बाद हम लोगों ने आज यहाँ के कुछ लोगों ने मिलके हम यहाँ पे कमेटी बनाएंगे जो ड्रग्स के ऊपर ही, नशे में खुद एडवोकेट हूँ, नशे के ऊपर ही हम काम करेंगे। मैंने वहाँ पे 41 से भी लोगों को वहाँ के अपील की थी कि भाई आपको कहीं पता है नशा बिक रहा है, हो सकता है मुझे नहीं पता है, तो आप मुझे आइए, मुझे आपका नाम चाहिए, कहीं आप मैं शो नहीं करूंगी, आप मुझे आके बताइए, मुझे आके बताने के बाद आगे हम आके उसकी कार्रवाई करेंगे ना भाई। ये आश्वासन अगर आश्वासन पुलिस दे रही है तो हम आश्वासन नहीं सुनेंगे ना, मुझे पता है ना सिस्टम कैसा काम करता है। आज मैं साथ में खड़ी हूँ, आज और मेरे भाई जो पढ़े लिखे वो साथ में खड़े, तो जरूर इसका कुछ ना कुछ आप जैसे लोग अवेकनिंग लाइए, आपका मीडिया लोग देखते हैं। यहाँ से मैं अपील कर रही हूँ लोगों को कि आपको अगर पता है, आप मुझे जानते हैं, मेरी शक्ल देख लीजिए, अगर कहीं भी आपको लगता है, बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर है, मैं आती हूँ यहाँ पे जन्नतुनापा के पास, आप बताइए, आपको लग रहा है, आपको पता है, आज मैंने बहुत सारे जो मुझे एड्रेसेस बताए गए मैंने बोल दी हूँ DCP साहब को पास, मैंने वो एड्रेसेस दे दी हूँ कि यहाँ 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 पेडलर्स है, आप इनपे कार्रवाई करिए। अभी यहाँ से भी मैं लोगों को अपील कर रही हूँ कि जब तक पब्लिक हमको बताएंगी नहीं तब तक हम क्या करेंगे, तो पब्लिक से आ जाएगा तो हम इसके आगे शुरू करने वाले, आज से हमने यहाँ लबबैक करे है, इंशाल्लाह इसको आगे तक लेके जाएंगे।
आपको लगता है जो पब्लिक उस बच्चे को नहीं बचा पाई, वो 20 सड़क पे उसको काटता रहा, वो 3 थे, यहाँ पे 10 लाख की पब्लिक है। जब लोग सिर्फ वीडियो बनाते हुए तमाशीन बनते, अगर 10 लोग भी उन लोगों को अगर पत्थर फेंक के मारे होते तो शायद वो भाग जाते, लेकिन सब छुप गए। मैंने वो वीडियो खुद देखा है, लोग पीछे से जा रहे थे लेकिन किसी ने उसे अपना बच्चा समझकर उन लोगों को रोकने की हिम्मत, मैं मानता हूँ उन तीनों के हाथ में हथियार थे, लेकिन 3 से बना 10, अगर वो 10 अगर पत्थर भी मारते तो उस मासूम बच्चे की जान बचाई जाती। तो आप इन पब्लिक से उम्मीद करते हो कि ये बताएंगे कि ड्रग्स ना? देखिए, एक होता है कि जनता डरी हुई रहती है, सहमी हुई रहती है, लेकिन आज के बाद तो मुझे दिख रहा है कि लोगों में हिम्मत बहुत आ गई है। देखो, जनता को क्या है ना, यहाँ का जो तबका है वो बहुत गरीब है, उसको क्या है, यहाँ की पब्लिक जो है सुबह जाती है काम पे, रात में आके जब कमाती है तब खाती है, तो यहाँ के लोगों को वो हिम्मत चाहिए, वो ताकत चाहिए, ये कहीं से कमजोर नहीं है। ये चाहते तो दो मेरे भाई उनको उन पे भारी पड़ते, लेकिन यहाँ के लोगों का मेन प्रॉब्लम है ना रोज का रोज कमा के खाना। उनको लगता है कि फुकट अभी आज जाके पकड़ेंगे, रोज फिर पुलिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, कौन ये करेगा, धंधा बंद हो जाएगा, बच्चे क्या खाएंगे। इसीलिए हम सामने आके खड़े हुए कि आपको उससे नहीं करना, हमारा काम है, हम अपने आप को सोशल वर्कर कहते हैं ना, तो ये हमारा काम है। आप आके सिर्फ हम तक पहुंचाइए ये न्यूज कि भाई हम ये फलानी जगह पे बिक रहा है, आप जाइए, हम करेंगे ना भाई काम। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता, अरे आज इनको सिर्फ हिम्मत की जरूरत है, ये बहुत ताकतवर है ना, ताकतवर सारे, बस इनको हिम्मत चाहिए, जो इनमें नहीं थी इनको कमजोर बना के रखा गया है, गए 15 साल से इनको कमजोर बना के रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसीलिए इनका भरोसा लॉ एंड ऑर्डर पुलिस से उड़ गया था, लेकिन आज जो पुलिस ने कार्रवाई की इनका भरोसा फिर से आ रहा है पुलिस पे, और इंशाल्लाह ये बढ़ते जाएगा, क्योंकि हम जैसे लॉ को अबाइड करने वाले सिटीजन्स है ना, हमको भी आज भी मुझे यकीन है कि कानून अपना काम करेगा, बस वो कानून को वो छड़ी चाहिए ना, वो हमारे हाथ में आ गई है और हम इनसे काम करवाएंगे। जैसे कि इन्होंने कहा कि अब ये लोगों को जगाएंगे, लेकिन लगता नहीं कि ये लोग जागेंगे, क्योंकि हमने वो वीडियो देखा था, हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते, उस बच्चे को 20 सड़क पर काटा जा रहा था, लोग आसपास से जा रहे थे, किसी ने उस बच्चे की मदद नहीं थी की, वो सिर्फ 3 थे, उनके पास हथियार थे, अगर 10 लोग भी अगर पत्थर मारे होते तो वो वहां से भाग गए होते, उस बच्चे की जान बच जाती, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। तो अब उसकी हत्या होने के बाद क्या ये लोग हिम्मत दिखाएंगे? आगे और लोगों से बात करेंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर, एक मिनट, आप लोग यहाँ पर रहते हैं, आप लोगों को इन लोगों से कितना डर बना रहता है? इन लोगों से तो डर तो इतना बना रहता है कि हर वक्त इनके जेबों में नशा रहता है, और नशों के चक्करों में तो कोई लेडीज बोल भी नहीं सकती इनको, चाहे वो नकाब में रहे चाहे बिना नकाब की रहे, किसी के कलेजे में इतना डर नहीं। यहाँ तक इतने छोटे छोटे बच्चे इतने नशा करने लगे ना कि उनको अगर बोलो ना हम अल्फाज तो हमको उल्टा अल्फाज बोलते वो, तो इसके आगे अगर हम बोले तो क्या तकलीफ, क्या बात आ जाती है कि बोले माँ ने इनको तरबियत नहीं दी। अरे माँ बाप तो तरबियत देते हैं, कौन से बच्चे यहाँ पे, जो मेन चीज मुद्दा क्या आता है यहाँ पे, नशा आता है, नशे के वजह से आज हमारे पूरे बच्चे खराब है। अगर ओलमा जाते हैं बोलने के तो ओलमा के ऊपर भी उंगली उठ जाती है कि क्यों बोलते हैं ये, अगर पुलिस वाले हमारी कार्रवाई करते हैं बोलते हैं तो आज हमको इतनी तकलीफ नहीं होती। छोटे छोटे चीजों के लिए भी पुलिस वाले के पास जाओ, हाँ बस हो गया, सॉल्ट हो गया, मामला खत्म हो गया, ये बोल के वो लोग ये चीजों को खत्म कर देते कि बोले आए सुलह कर दिए, हाँ बोले बस बस खत्म हो गया, अभी कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, इसमें ये करने से हो जाता सुलह, कुछ नहीं होती है। आगे जाने के बाद में पुलिस वाले एक तरफ और घर वाले एक तरफ हो जाते, कल को क्या हुआ, हाँ ये बाहर मिला इसके ऊपर मारने का है, इसके ऊपर वो करना है। आज आज सबके घरों में एक एक, एक सामान निकलता है, क्यों निकलता है ये सामान, सबके पास लाइसेंस है ये सब देने के लिए, हथियार सबके घरों से निकलता है, ये सब चीजें रखने वाली चीजें घर के अंदर, ये बच्चों को बढ़ावा देने वाला कौन है? आज कुछ कुछ जगह पे माँ बाप भी शामिल हो जाते हैं, और कुछ कुछ जगह पे माँ बाप सपोर्ट भी करते हैं बच्चों के लिए, तूने ये चीज किया तो उसको वही जगह पे बच्चों को इस्लाह करो, बच्चों की इस्लाह कोई नहीं करता है। अगर बच्चों की इस्लाह करे तो कोई जगह से ये जाएगा बच्चा हमारा, नहीं जाएगा वो जगह, क्योंकि माँ बाप भी बढ़ावा देकर उधर से आते, क्यों लोग ये करते हैं कि बच्चा यहाँ पे क्यों इतना ही कर रहा। जैसे कि देखा गया है कि ये हमेशा गोवंडी में होता है, तो वो नेता कहाँ है जो यहाँ वालों की वोट से कुर्सी, सुनिए मैं, कुर्सी मजबूत करके अपने एयर कंडीशन ऑफिस में अपने महल जैसे घर में बैठे, तो नेता कहाँ है, कौन नेता है यहाँ का? यहाँ के नेता तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे, नाम बताइए ना, अबू हाशमी है, अबू हाशमी कब आते हैं अबू हाशमी यहाँ? यहाँ पे तो हमने देखे ही नहीं उनको अभी तक,
यहाँ पे देखे नहीं, जो उनका काम रहता है, जो उनका काम रहता है वो काम के लिए आए और चल दिए। कभी उन्होंने खड़े रह के ये नहीं बोले कि ये चीज को हमको करना है और ये चीज के ऊपर हमको लड़ना है, कभी वो चीज के ऊपर कार्रवाई हुई नहीं है इनकी। क्यों देते फिर ऐसे नेताओं को वोट, जो कि आपके, आप सुने, आपके घर वालों की, आपके इलाके की, आपके बच्चों की हिफाजत के जो जिम्मेदारी नहीं लेते, वो सिर्फ आते आपको आश्वासन देते, वोट लेते और निकल जाते, क्यों वोट देते वैसे वो इस जगह पे? इस वजह से वोट देते उनको के बोले, अरे उन्होंने पानी तो पहाड़ के ऊपर से भी पानी आ जाता, पर पब्लिक, हाँ पानी तो कांग्रेस नहीं लाई है, वेल्लो स्वामी के टाइम से पानी यहाँ पे आया गया है, पानी तो उनके टाइम से आया ही नहीं था, ये तो अभी अभी खड़े हुए तो बोले पानी आए। तो अभी जो ये पब्लिक को अगर ये जहन बन जाए ना, तो कोई किसी को पूछेगा ही नहीं। जैसे कि भाई साहब, ये जो जहाँ पर ये काम चलता था ना, वो कोई ये गोंडी मुंबई के बाहर नहीं है, मुंबई के अंदर ही है, और मुंबई की पुलिस पूरे दुनिया और पूरे देश के अंदर मानी जाती है कि मुंबई की पुलिस काम करने में अगर चाहे तो दुबई से कहां से किसको भी उठा, मुंबई पुलिस चाहो तो कोई मंदिर के बाहर से चप्पल भी नहीं छुरा सकता, ये बात तो हकीकत। और यहां पर इतना बड़ा साम्राज्य, KGF मूवी देखे है ना भाई, वैसा साम्राज्य उसने बना के रखा था। किसने किसने? जो बेचन था यहाँ का, बुट्टू ने, हाँ उसने यहाँ पर बाकायदा इतने सारे CCTV कैमरे लगा के रखे थे, कोई कॉर्पोरेट कंपनी में उतने नहीं रहेंगे कैमरे भाई, वो बेचन करने में इतना लगा के रखा था। तो इसके जिम्मेदार ना भाई, पहली बात तो यहाँ पर जो सत्ता में लोग है ना, सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी है, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ भाई, लेकिन मेरे से पहले जो सत्ता में बैठे उनकी जिम्मेदारी है, उनके नगर सेवक है यहाँ पे, उनके MLA यहाँ पे है, 15 साल से लोगों ने उनको चुन के दिया है। और नशा जैसे साल आगे बढ़ते जा रहा है, वैसे बढ़ते जा रहा है नशा, कम होते नहीं जा रहा, वैसे वैसे नशा बढ़ते जा रहा है। आप मर्डर आप देखोगे ना, हर महीने 2 महीने 3 महीने पे यहाँ मर्डर होना ही होना है, और उसका जब सोर्स आप देखोगे, नशा, नशे की वजह से। अभी ये बच्चे लोगों को इन लोग ने तैयार किया है, 16-17 साल के बच्चे लोग, ये ना आइटम बम है, एकदम आइटम बम की तरह इन लोग काम करने वाले हैं, और लोग जो है ना, लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। लेकिन मैं लोगों से, गोंडी कर लोगों से कहना चाहूंगा, आप डरो मत, आप लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, बाहर से कोई आपके लिए आके लड़ने वाला नहीं है। अपने स्थानिक लोगों पे भरोसा करो, जो आपके आसपास में रहते हैं, उनका साथ दो आप, ऐसी बाहर से कोई आएगा वो अपना काम करके जीत के जो भी यह जाएगा, वो यहाँ के लोगों को नहीं सोचेगा, जो यहाँ पे रह रहा है उसको यहाँ के दुख तकलीफ पता है, वही यहाँ पे वो मसले को हल कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। और गोंडी कर लोगों की सबसे पहली ये जिम्मेदारी है कि आप डरो मत, आप लोगों को डर लगता है, हम लोग सब जानते हैं यहाँ पे, हमारे को आप बताओ, DCP साहब ने बहुत आश्वासन दिया है, बहुत उम्मीद है उनसे, और उनसे भी हाथ जोड़ के हम उम्मीद करते हैं कि भाई मुंबई पुलिस खास करके इस बार अब गोंडी को दोबारा ऐसा कोई हादसा ना हो, और जो हादसा हुआ है एक मिसाल कायम हो, जो नशा बेचने वाले उनके लिए मिसाल कायम हो गया, तो उनकी रूह कांपे, ऐसा होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि इतना बड़ा हादसा हो गया, 3 दिन हो गया, तो आपके विधायक और MLA यहाँ पे आए? अभी शायद कल रात को आए थे, देखो आए नहीं है वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आए और आके यहाँ पे क्या किया उन्होंने? वो मुझे नहीं पता, मैं नहीं था उस टाइम पे, लेकिन आए थे, खाना पूरी की होंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि 15 साल से आप यहाँ पे हो, अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि MLA के यहाँ कोई कंप्लेन नहीं लेके, अरे भाई तुम्हारे यहाँ कंप्लेन नहीं लेके गया, मानते हैं, लेकिन नगर सेवक भी तुम्हारे, हर गली कुचे में तुम्हारे लोग हैं, तो उनसे आप कंप्लेन लो ना भाई, उनसे पूछो ना, फीडबैक आप उनसे लो ना यार, अभी कोई एक आम आदमी नहीं जाने वाला भाई कंप्लेन, क्योंकि अभी हम लोग भी, मेरी भी बहुत बड़ी गलती है, मैं जहाँ इंसिडेंट हुआ है उसके अपोजिट साइड में रहता हूँ, मैं भी एक सामाजिक आदमी हूँ, लेकिन मैंने भी कभी आवाज़ नहीं उठाया, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, अहमद को जो हादसा हुआ उसके अंदर मेरा भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैंने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। MLA साहब को बोलो बोलने के लिए, जो सत्ता में बैठे बोले, जिम्मेदारी ले रहा भाई, एक सामाजिक आदमी हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता, मैंने आवाज़ नहीं उठाया, इंशाल्लाह आगे अब कोशिश करूंगा, जो भी कुछ रहेगा, जो भी बन पड़ेगा, मरने वरने का कुछ नहीं, डर है लेकिन ठीक है चलेगा, अपने समाज के लिए अगर अपन चले भी जाएं कोई गम नहीं है। लेकिन ये जो हुआ है, अहमद जो है, इतना छोटा बच्चा था, हम लोग यहाँ से गुजरते थे, मामा मामा बोलता था, उसका वो हादसा हुआ ना, एकदम जहन एकदम हो गया, डिस्टर्ब हो गया एकदम, सो नहीं। जैसे कि आपने बोला कि इस हादसे की जिम्मेदारी MLA और विधायक, वो क्यों लेंगे? वो तो सिर्फ आते हैं वोट लेने के लिए, आप लोग वोट देते हैं वो जीत के चले जाते हैं, उसके बाद कभी आप लोगों ने उनसे फोर्स करके काम करवाने की कोशिश की? आप लोगों को सब पता था कि ये जो था क्या ना, बिट्टू यहाँ पर आपने बनाया कि KGF वाला साम्राज्य बना के रखा था, आप लोगों को तो पता था, आपने उनको क्यों नहीं बताया? लोगों ने उनको शौचालय चलाने दिया था, जिस शौचालय पे उसने साम्राज्य बना के रखा था, तो उनको कैसे मानेंगे कि उनको पता नहीं था ये बातें?
उनको उनका जो शौचालय बना है बीएमसी के फंड से उसको पूरा आगे तक उसी ने इंक्रोच करके रखा था। वहाँ पे उनको कैसे नहीं पता था कि वहाँ पे वो सब हो रहा है। उनकी आंखें तो बहुत दूर दूर तक जाती है। अगर किसी पे झूठा केस फिक्स करना है, किसी को क्या करना है, किसी को डराना है, सारा वो कर सकते। तो उनको पता नहीं था कि इतना बड़ा साम्राज्य है। उनको नहीं पता है कि क्या हो रहा है इलाके में। तो यहाँ के लोगों को फिलहाल अभी यहाँ के लोगों को आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे ये सोए हुए जाग जाए? मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जागने के लिए किसी को मरना पड़ता है या खून बहाना पड़ता है। उठ जाओ, जाग जाओ। मैं तो सुबह से 3 दिन से लगातार बोल रही हूँ कि अभी तो मेरे भाइयों जाग जाओ, अभी अपनी ताकत को पहचानो। अभी किसी का, जैसे भाई ने बोला है ना कि बाहर वाला हमारी तकलीफ नहीं समझेगा, बाहर वाला आएगा वोट लेगा एसी में जाके सो जाएगा। अभी इलाके के लिए कुछ करना है तो हमको ही करना है और ये सारी जिम्मेदारी हमने अपने कंधे पे ली है। हम अभी मिलके लड़ेंगे। अभी मैं बोली ना, ये कमजोर नहीं है, ये बस डर है। इनको हिम्मत चाहिए। अगर हम हिम्मत देंगे इनको तो ये लड़ेंगे। आज पूरे लोग बाहर निकले हुए थे, तो क्यों निकले थे? क्योंकि हिम्मत आ गई थी। तो इंशाल्लाह होगा भाई, आप खुद देखोगे बदलाव होगा। तो देखा आपने, यहाँ पर एवरीबॉडी इज करप्शन, सब करप है यहाँ पर, पुलिस से लेके नेता से लेके। यहाँ पर कोई अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ का इन लोगों का ये कहना है कि डीसीपी सर ने इन्हें कहा कि मेरे पास 1400 की फोर्स है और यहाँ पर 1,00,000 पब्लिक है, ये कोई बात नहीं। पुलिस का काम होता है, मुंबई पुलिस बहुत ही सक्षम मानी जाती है। मुंबई पुलिस अगर चाहे तो कोई मस्जिद के बाहर, मंदिर के बाहर से चप्पल नहीं चुरा सकता, लेकिन लगातार गोवंडी में, मानकुर में हत्याओं का सिलसिला चल रहा है, इसे रोका नहीं जा रहा है। ड्रग्स पेडलर, इन लोगों ने कहा जो जिसने यहाँ पर हत्या करवाई है, भुट्टू नाम के शख्स ने, उसने यहाँ पर साम्राज्य बना के रखा था, जगह जगह पर कैमरे लगा के रखा था। तो क्या यहाँ पे जो गोवंडी पुलिस है उन्हें पता नहीं होगा? जो यहाँ के विधायक है उन्हें पता नहीं होगा? जो यहाँ के एमएलए उन्हें पता नहीं होगा? सबको पता है, लेकिन सबके सब करप्शन में डूब चुके हैं, किसी को आवाज उठाना नहीं है, क्योंकि ये गरीब लोगों को छोड़ दिया गया मरने के लिए। यहाँ पर पुलिस सिर्फ आती है खाना पूरी करने के लिए, मर्डर के बाद पोस्टमार्टम करने के लिए, लेकिन उस पुलिस अगर अपना सही तरीके से काम करे और यहाँ के जो एमएलए विधायक जो इनके दिए हुए वोट से अपनी कुर्सी गर्म करके अपने महलों में बैठे, अगर ये सही तरीके से काम करे तो गोवंडी आने वाले वक्त में सुधर जाएगा। वरना लगातार जो गोवंडी में हालात बने हुए हैं, जैसे हत्या और ड्रग्स का जो सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, ये कभी रुकने वाला नहीं। आने वाले वक्त में गोवंडी पूरा फना हो जाएगा अगर सही तरीके से ये लोगों ने अपना काम नहीं किया। अब देखना है कि जो बच्चे की हत्या हुई है, क्या उसकी वजह से यहाँ के लोग जागरूक होते हैं या पुलिस अपना काम करती है, या एमएलए विधायक को थोड़ी बहुत अगर शर्म आ जाए तो वो अपनी फील्ड पर आकर काम करते हैं और ये गोवंडी के जो मासूम बच्चे, ये लोगों का जो फ्यूचर है वो बचा पाते हैं, ये देखते बनता है। क्योंकि अब तक तो यहाँ पर हुआ नहीं, शायद आने वाले वक्त में कुछ लोगों को शर्म आ जाए और अपना काम सही तरीके से करें। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, आमिर सैयद के साथ, आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज से।